उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रही हैं और उसके लिए बहुत जोर जोर से यूपी कांग्रेस कार्यालय पर तैयारियां भी चल रही हैं, लगातार बैठकें भी की जा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या तैयारी हो रही है, कब आना है प्रियंका जी को, कितने दिन का दौरा है? देखिए, मैं समझता हूँ वो उत्तर प्रदेश की बेटी है, उत्तर प्रदेश की आवाज है, उत्तर प्रदेश के लोगों की विश्वास है, भावनाएं, नेता है, और रोज प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में है। ये दौरा तो वो लोग करते हैं जो कभी आते कभी जाते हैं। आप याद करिए, अगर सोनभद्र में आदिवासी भाई बहनों की निर्मम हत्या हुई थी, लड़ाई जमीन पर बैठकर लड़ने का काम आदरणीय प्रियंका जी ने ही तो किया था। उन्नाव की बेटी, साजापुर की बेटी, हाथरस की बेटी के न्याय दिलाने की पारी थी, तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने लाठी खाई, बदसलूकी सही, लेकिन उनकी आवाज को दबने नहीं दिया, किसानों की आवाज को बुलंद करना रहा। मथुरा में, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में कौन आवाज उठाया? लाखों की संख्या में अगर किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम किया तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने किया। अगर आज जो नौजवान, भर्ती का नौजवान, चाहे पुलिस का, दरोगा का, शिक्षक के भर्ती का नौजवान, 69,000 शिक्षक के भर्ती का नौजवान, अगर उसकी आवाज मुख्यमंत्री ने दबाने की कोशिश की, उनके साथ कौन खड़ा हुआ? आदरणीय प्रियंका गांधी जी खड़ी हुई। अगर सीएनआरसी के दौरान जिस समय जुल्म जाति हुई, दमन की राजनीति हुई, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, बिजनौर में कौन गया उनके साथ खड़ा होने? आदरणीय प्रियंका गांधी जी गई। मैं समझता हूं जो रोज यहां हो वो दौरे पर कहां सकता है, वो तो हमारी आत्मा में है, वो हमारे विश्वास में है, कड़कड़ में है, उत्तर प्रदेश के जन जन में पूरी तरह आज जनता की आवाज के साथ, मजबूती के साथ खड़ी आदरणीय प्रियंका गांधी जी हैं। अच्छा, क्या प्रोग्राम क्या है कल जब प्रियंका जी आएंगी तो क्या बैठकें होने वाली हैं? देखिए, वो बैठेंगी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ, बैठेंगी जिलाध्यक्षों के साथ, बैठेंगी लोगों से बात करेंगी, सभी सीनियर लीडरों से मिलेंगी, चर्चा करेंगी और निश्चित तौर से 2022 के आगाज को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चुनावी चर्चा होगी? ये तो भाई हम राजनीतिक पार्टी है तो चुनाव पर ही तो चर्चा है, और निश्चित तौर से चुनाव की पूरी रूपरेखा बन के तैयार है, हम उसे आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अच्छा, अभी शायद ये जानकारी मिली है कि 3 दिन का प्रस्तावित दौरा है, आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? वो 16 को आ रही हैं लखनऊ, और उत्तर प्रदेश केवल लखनऊ नहीं होता है साहब, कुशीनगर से लेकर गाजियाबाद, चित्रकूट से लेकर इलाहाबाद, ये सब उत्तर प्रदेश का भाग है, 75 जिले हैं, कहीं जा सकती हैं, किसी से मिल सकती हैं, और मैं समझता हूं कि वो आज मजबूती के साथ कांग्रेस की आवाज बनकर 2022 में सरकार बनाने जा रही हैं। जिलों का भी दौरा करेंगी वो? देखिए, कहीं जा सकती हैं, ये तो उनका उत्तर प्रदेश पूरा उनका क्षेत्र है। अच्छा, केवल कांग्रेस के नेताओं से ही मुलाकात होगी या कहा जा रहा है कि छोटे दलों से, आपने पहले भी कहा समान विचारधारा के लोगों को साथ मिलेंगे, तो ऐसे लोगों से मुलाकात प्रस्तावित है? नहीं, देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट हूं, कांग्रेस पार्टी गठबंधन करेगी गांव से, गरीब से, खेत से, खलिहान से, नौजवान से, महिलाओं से, उत्तर प्रदेश की आवाज से, सुरक्षा से, उत्तर प्रदेश के उन तमाम वंचित शोषित लोगों से गठबंधन करेंगे और निश्चित तौर से 2022 में सरकार बनाएंगे। एक सवाल और पूछना, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर थे, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ उत्तर प्रदेश में, कैसे देखते हैं? ये दुखद है, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है, और देश के प्रधानमंत्री को जो उत्तर प्रदेश का जंगल राज नहीं दिख रहा है, लूट, हत्या, डकैती, उत्तर प्रदेश लूट में नंबर एक, हत्या में नंबर एक, डकैती में नंबर एक, जहां महिला की अस्मत के साथ खिलवाड़ होता है वो उत्तर प्रदेश की स्थिति आज नंबर एक में है, आज छिनैती में नंबर एक है, अपहरण में नंबर एक है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं, महाजंगल राज है। आप देख सकते हैं जिस तरह लखीमपुर में एक महिला के अस्मत के साथ खिलवाड़ किया गया, अभद्रता की गई, साड़ी तक किस तरह खींचने का प्रयास किया गया, क्या प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द निकला है? नहीं निकला। क्या उस महिला का, क्या उत्तर प्रदेश के महिलाओं का यह सम्मान? जवाब देना पड़ेगा। और गुंडा राज, जंगल राज को अगर प्रधानमंत्री जी जैसे लोग संरक्षण देंगे तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का तो अब कल्याण ही संभव नहीं है। ये सरकार पूरी तरह विश्वास खो चुकी है, और जंगल राज, गुंडा राज और भयावह अलावा कुछ नहीं उत्तर प्रदेश में बचा है। बहुत धन्यवाद उससे बात करने के लिए। यूपी और मैं एक और बात कहूंगा, प्रधानमंत्री जी बनारस में गए, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के नाम से दृष्टिविहीन नौजवान साथियों का महाविद्यालय जो बरसों से चल रहा था,
उसे सरकार ने अधिकृत कर लिया, वो आंदोलन पर बैठे एक महीना से। प्रधानमंत्री जी, उनके बारे में भी विचार करिए। क्या इस देश में दिव्यांगों को रहने का अधिकार नहीं, पढ़ने का अधिकार नहीं, मुख्य धारा में जीने का अधिकार नहीं? प्रधानमंत्री जी, थोड़ी भी अगर विश्वास बची हो, थोड़ा भी अगर लज्जा बचा हो, तो उन दृष्टिविहीन नौजवान जो आंदोलित हैं उनके बारे में भी विचार कर लीजिएगा। ये यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार जी हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि फिलहाल प्रियंका गांधी अपने उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रही हैं। इस दौरान वो पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगी, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी और रणनीति तय की जाएगी कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जाएगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24।